मैंने इसका फुटेज बहुत पहले देखा था 20 मिनट का, और खुशबू ने आनंद विनय बहुत बढ़िया काम किया है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इतनी अच्छी तरह से देखा गया है, इतनी अच्छी तरीके से कैप्चर किया गया है, और हमारे पॉलिटिकल इंडियन हिस्ट्री पे इस तरीके की फिल्में कभी किसी ने डॉक्यूमेंट नहीं की है, और उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी इतना सुंदर रखा है, इतना दूर से रखा है कि वी कैन एक्चुअली सी द एंटायर इलेक्शन इन फ्रंट ऑफ अस, एंड इट वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्शन, एंड दे हैव मैनेज्ड इट, कैप्चर्ड इट एंड मेड इट सच अ ब्यूटीफुल फिल्म. आई थिंक एवरीवन शुड वॉच इट, बिकॉज हमारी अंडरस्टैंडिंग हमारी कंट्री की, हमारी डेमोक्रेसी की, हमारे पॉलिटिकल आइडियाज़, सब चीज़ों की इतनी सुंदर देखने को मिलती है. एंड यू सी दिस इज़ आवर कंट्री, वी बिलोंग टू दिस कंट्री, वी कांट हाइड इट, एंड दैट्स द रियलिटी. इट्स मार्वेलस, ब्यूटीफुल. हमारी फिल्म एक पॉलिटिकल थ्रिलर है. इसमें आप एक्चुअल पॉलिटिशियंस जैसे अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव, शीला दीक्षित, इन एक्चुअल पॉलिटिशियंस को देखेंगे, और उनकी उन्होंने जो इलेक्शन लड़ा उसका एक बहुत थ्रिलिंग अकाउंट फिल्म में आपको दिखेगा. फिल्म 17 नवंबर को आ रही है. ये अब तक करीबन 50 अलग देशों में दिखाई जा चुकी है, और इस फिल्म में आपको ये एंटरटेनिंग फिल्म है. जो जितने हमारे दोस्त देख रहे हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने ऐसी कोई पॉलिटिकल थ्रिलर देखी नहीं जहां आपके जो नेता हैं जिनको आप रोज़ टीवी पे देखते हैं उनको आप बड़े पर्दे पे देखें और इतना मज़ा आए. बहुत बहुत ही अच्छी फिल्म है, और मैं सबसे यही दरख्वास्त करूँगा कि वो जाके देखें. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म, इट्स अ वेरी एंटरटेनिंग फिल्म. एक डॉक्यूमेंट्री है, बट लेकिन मुझे पता है कि कई लोगों को ऐसा लगता है डॉक्यूमेंट्री होगी, प्रीची होगी. इट इज़ वेरी एंटरटेनिंग, एंड मैं अभी भी इसके जोन में हूँ. यू नो, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द फिल्म, आई एम गोना डाइजेस्ट इट टुनाइट. आई रियली एंजॉयड इट, एंड आई थिंक एवरीबडी शुड वॉच इट. I want to congratulate Khushbu and Vinay on making a wonderful film. It's in the cinemas on the 17th of November, this Friday. And like Kunal said, we really want everyone to see it. It makes you laugh, and then very next moment it depresses you. It makes you think about the state of democracy in this country. And really it just follows the story of one man and the formation of the Aam Aadmi Party. But it's told in a way that is both inspiring as well as challenging and frustrating. And unbiased. And a really objective view. Yeah. So I really congratulate the filmmakers and Anand Gandhi, the producer, to see the film. Yes. Ye film बनाई है कम्युनिटी ने, क्योंकि ये क्राउड फंडेड फिल्म थी. खुशबू रांका और विनय शुक्ला जो डायरेक्टर्स हैं फिल्म के, जैसे ही इन्होंने फिल्म बनानी शुरू करी ये लोगों के पास लेके गए, ताकि ये फिल्म की जो न्यूट्रलिटी है, जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो निरपेक्ष भाव से फिल्म बनाई जा रही है वो बनी रहे. सो दे गॉट द कम्युनिटी इन्वॉल्व इन मेकिंग एंड प्रोड्यूसिंग द फिल्म, एंड नाउ इज़ द टाइम फॉर द कम्युनिटी टू गेट एंगेज विद डिस्ट्रीब्यूटिंग द फिल्म. सो इट्स एक्सट्रीमली एक्साइटिंग फॉर अस टू फर्स्ट ब्रिंग द फिल्म टू इंडिया आफ्टर 50 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स, एंड देन सी सच एन अमेजिंग एंड ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द कम्युनिटी. सो ये मूवी बेसिकली कौन से ऑडियंस को टारगेट करेगी, दिल्ली या मुंबई? ये कमाल की बात यह है कि ये फिल्म ऑलरेडी लातूर में हाउसफुल हो चुकी है 17 नवंबर की रिलीज़ के लिए, ये फिल्म भिलाई में हाउसफुल हो चुकी है, ये फिल्म हैदराबाद में हाउसफुल हो चुकी है. उसका कारण ये है कि हमने सिर्फ बॉम्बे, बैंगलोर और दिल्ली की जो एक रिलीज स्ट्रैटेजी है, यूजुअली जो छोटी फिल्मों की एक स्ट्रैटेजी होती है बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर में रिलीज़ करने की, हम उस पर ही निर्भर नहीं है. हमने ये फिल्म कम्प्लीटली खोल दी है लोगों के लिए, तो लोग हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, ये फिल्म के बारे में सर्च कर सकते हैं, एन इनसिग्निफिकेंट मैन के बारे में गूगल में सर्च करके वेबसाइट पे जाके वो खुद अपने आप ये फिल्म को रिलीज़ कर सकते हैं. तो उस हिसाब से कुछ 200-250 स्क्रीनिंग्स पूरे देश भर में बनी है, ऐसे ऐसी जगहों पर जहाँ पर हमने सोचा भी नहीं था कि हम ये फिल्म रिलीज़ कर पाएंगे, वहाँ पर ऑडियंस खुद ये फिल्म को रिलीज़ कर रही है.